हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ भाई साहब कुछ ऐसे शानदार गेम्स जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं आपको, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ओपन वर्ल्ड ऑफलाइन गेम्स के बारे में, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 100 MB के अंदर। यानी कि भाई साहब, इतना सारा कुछ है कि गेम के अंदर, यानी कि 100 MB का भी होएगा, ऑफलाइन भी होएगा और ओपन वर्ल्ड भी रहेगा, तो और क्या ही चाहिए गेम से। तो भैया, आप जल्दी से सीट बेल्ट कस लो, क्योंकि शुरू करने वाले हम आज का वीडियो। दूसरा नंबर फर्स्ट पर निकल के आता है हमारे पास आइसक्रीम 2। अब यहाँ पे ये जो गेम रहने वाला है, मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि भाई साहब, आप इतने सारे गेम्स हैं और भाई इतनी टेक्नोलॉजी हाइप अप कर चुकी है कि भाई 100 MB के अंदर अंदर गेम्स बहुत कम ही मिलते हैं और या उनके ग्राफिक्स बिल्कुल ही कम क्वालिटी के होते हैं। तो ये वाला गेम जो है, ये आप लोगों को 120 MB के राउंड अबाउट देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ऑफलाइन के साथ इतना अच्छा एक हॉरर वाला एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो आप लोग 20 MB एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर ही सकते हो, यानी कि यहाँ पर इतना अच्छा आप लोगों को तड़का देखने को मिलेगा मिस्ट्रीज का, और भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आप लोगों को आएगा आप लोग अगर गेम खेलोगे तो। बाकी गेम की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा हॉरर वाली रहने वाली है, और आप लोगों को अगर हॉरर टाइप के गेम्स पसंद आते हैं या हॉरर थीम वाले गेम पसंद आते हैं, तो ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है। अब भैया जी, नंबर सेकंड के इस गेम का नाम है मायामी गैंगस्टर थेफ्ट ऑटो। अब यहाँ पे ये जो गेम है, आप लोगों को भाई GTA 5 के स्टाइल का देखने को मिलेगा, यानी कि वही गैंगस्टर वैंगस्टर वाला तड़का और भाई वही वाली फाइट्स, और आप लोगों ने ऐसे क्राइम व्राइम करने हैं, पुलिस वुलिस से बचना है और गेम में आगे बढ़ना है। गेम का साइज यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों 115 MB, और ये गेम भी काफ़ी ज़्यादा मजे का है। आप लोग एक दफा खेलोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को मज़ा ही आएगा। भाई साहब, व्हीकल्स शीकल्स चलाओ और पुलिस वुलिस से पंगे लो और भाई गेम में आगे बढ़ो। और दोस्तों, नंबर 3 के इस गेम का नाम है क्राइम वॉर्स सैन एंड्रियास। अब आप लोगों को सैन एंड्रियास नाम सुन के कुछ तो कुछ याद आया ही होगा। हाँ, आप लोग सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे GTA सैन एंड्रियास की। तो भैया, उसी थीम पे बेस ये गेम आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी गैंगस्टर वाला स्टाइल है, और यहाँ पे आप लोगों को ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, ढेर सारी व्हीकल्स हैं, और इसी में आप लोगों को मिशन भी देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक सही चीज़ है। और मुझे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है कि भाई ये गेम और उसमें मिशन भी हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस गेम को प्रोवाइड कराती है, और भैया डेफिनेटली गेम खेलने में तो मज़ा आता ही आता है। गेम का साइज यहाँ पे रहने वाले दोस्तों 93 MB, और ऑफलाइन तो ये गेम भी रहेगा ही। अब भैया जी, नंबर 4 के इस गेम का नाम है वेगस क्राइम सिमुलेटर। अब गेम का नाम है वेगस, तो आप लोगों को यहाँ पे लॉस वेगस की सिटी देखने को मिलेगी, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगी। अब यहाँ पे भी आप लोगों का जो करेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को उसका लाइफ रोल प्ले करना है। इनकी गैंग वैंग उसने ज्वाइन की हुई है, और भैया वो एक माफिया डॉन बनने का ख्वाब लेके आया है अब वेगस सिटी में। तो उसने पुलिस वुलिस से पंगे लेने हैं, ढेरों सारे मिशन हैं जो कि आप लोगों ने गेम के अंदर करने हैं। ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में फ्री रोम भी कर सकती हो, और पुलिस वुलिस से पंगे लो, गोलियां मारो उनको, और भैया वांटेड लेवल अपना बढ़ा लो। गेम का साइज यहाँ पे रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 97 MB, और ये गेम भी ऑफलाइन रहेगा। अब भैया जी, नेक्स्ट गेम पे चलें, तो नेक्स्ट गेम हमारे पास निकल के आता है वेस्ट गन फाइटर। अब अगर आप लोगों को कॉबॉय स्टाइल के गेम या आप लोग कह सकते हो रेड डेड रिडेम्पशन टाइप के गेम्स पसंद आते हैं, तो ये गेम डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक अच्छी चॉइस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को वैसा ही कॉबॉय वाला एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। एक ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड करेगा और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आएगा। गेम में बहुत सारे मिशन हैं, इसी के साथ में आप लोग हॉर्स राइडिंग वगैरह कर सकते हो, और भैया पुराने वेपन्स आप लोग यूज़ करोगे जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगते हैं, यानी शॉटगन वॉटगन इस्तेमाल करोगे, और साथ में आप लोगों के पास अपने रिवॉल्वर तो होंगे ही। तो भैया गेम खेलोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। गेम का साइज भी छोटा सा है यार, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ 20.2 MB का यार गेम, और क्या चाहिए भैया। ऊपर से ऑफलाइन भी है, अच्छे ग्राफिक्स भी हैं, और भैया ओपन वर्ल्ड भी है, तो किस बात की देरी है, जल्दी जाके डाउनलोड करो। अब दोस्तों, नंबर 6 के गेम की बात की जाए, तो नंबर 6 में हमारे पास निकल के आता है जेट पैक हीरो मायामी क्राइम। अब यहाँ पे गेम के नाम में है जेट पैक हीरो, तो आप लोगों का जो करेक्टर है वो भी इसी टाइप का देखने को मिलेगा, यानी कि उसने भाई साहब अपने पीछे एक जेट पैक लगाया हुआ है, और वो दुनिया में यानी कि अपनी गेम में इधर से उधर भगता फिर रहा है, यानी उड़ता फिर रहा है, और आप लोगों को ऐसे सुपरमैन वाली फील आएगी। बाकी गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इसी में भी आप लोगों को GTA 5 वाला स्टाइल देखने को मिलेगा। गेम प्ले भी आप लोग देख ही सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सही और ठीक ठाक लेवल का है, ग्राफिक्स भी अच्छी क्वालिटी के हैं, और गेम भी मज़े का है। गेम का साइज यहाँ पर रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 93 MB, बिल्कुल 93 MB का गेम है, और भैया मज़े का है। अब भैया, नंबर 7 के इस गेम की बात की जाए, तो यहाँ पे ये जो गेम है, ये आप लोगों को देने वाला है एक्सपीरियंस GTA Vice City का, वो भी आप लोगों को एंड्रॉयड डिवाइसेस पे। गेम का नाम यहाँ पे है गनशॉट सिटी, और यहाँ पे आप लोगों को उसी टाइप के सिमिलर ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, इसी के साथ में आप लोगों को ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती स्टोरी देखने को मिलेगी अपने करेक्टर की, ढेर सारे डिफरेंट मिशन है, और GTA Vice City में जो लोकेशन थी
वही सारी लोकेशन इसके मैप में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी और बिल्डिंग विल्डिंग का स्टाइल भी वैसे ही है। और आप लोग खेलोगे तो आप लोगों को एक नॉस्टैल्जिया आएगा कि भाई साहब GTA Vice City खेल रहे हो। गेम पास आईडी यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों 99 MB और गेम ऑफलाइन है। तो भैया चलते चलते पहुंच गए हम अपनी लिस्ट के नंबर 8 गेम की तरफ जो गया है ड्यूड थेफ्ट वॉर। अब भैया ड्यूड थेफ्ट वॉर एक थोड़ा सा पुराना गेम है लेकिन यहाँ पे एक मैसिव अपडेट हुई थी कुछ दिनों ही पहले, हाल फिलहाल में आप लोग कह सकते हो हुई थी, जिसके बाद से भाई साहब जो पुराने इश्यूज थे ना वो काफ़ी ज़्यादा रिजॉल्व हो गए और भैया गेम काफ़ी ज़्यादा बूमबास्टिक किस्म का हो गया है। गेम में आप लोगों को भाई साहब नए नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप लोगों को ग्राफिक जो एनिमेटेड स्टाइल के तो देखने को मिल रहे हैं लेकिन भाई साहब एक फनी वाला गेम प्ले आप लोग कह सकते हो कि आप लोगों को ये गेम प्रोवाइड कराता है। इसी के साथ में आप लोगों को भाई साहब ढेर सारे मिशन यहाँ पे कर सकते हैं और इसी के साथ में आप लोग मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन होकर। गेम का साइज यहाँ पे छोटा सा है यानी 85 MB का गेम रहने वाला है और मज़े का गेम है। एक लोग खेलोगे तो भाई साहब बिल्कुल एडिक्टेड हो जाओगे, ऐसे मज़ा आ जाएगा गेम खेल के। तो दोस्तों चलते चलते भगते भगते दौड़ते दौड़ते हम पहुंच गए लिस्ट के नंबर 9 गेम की तरफ। लेकिन उसमें जाने से पहले यही कहूँगा अगर अभी तक वीडियो देखा तो थैंक यू यार सबका, और भैया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों वजह कहीं से भूले भटके आ गए तो जल्दी से सब्सक्राइब मारो और लाइक के बटन को तो उंगली मार ही देना। तो भैया अब नंबर 9 के गेम की बात की जाए तो वो निकल के आता है हमारे पास बीच क्वेस्ट। अब अगर आप लोगों को भाई माइथोलॉजीज वाली कह सकते हो कि गेम्स पसंद होती हैं या असैसिन क्रीड टाइप की गेम्स पसंद होती हैं, गॉड ऑफ वॉर टाइप की गेम पसंद होती हैं, तो उस जॉनरा का ये गेम हमारे पास निकल के आता है। यहाँ पे स्टोरी दिखाई जा रही है हमारे पास एक लड़के की जो कि निकला है भाई साहब अपनी एक स्टोरी पे, अपनी एक जर्नी पे, और भैया यहाँ पे उसको ढेर सारे बीच मॉन्स्टर और डिफरेंट टाइप के एनिमीज से फाइट करनी है। यहाँ पे आप लोगों को जो थीम देखने को मिल रहा है वो पुराने दौर का है यानी एंशियंट एरा का है, यानी उसके पास सोर्ड वोर्ड है और भैया वो बीच वगैरह से लड़ रहा है, इसीलिए तो गेम का नाम भी है बीस्ट क्वेस्ट। बाकी गेम का साइज यहाँ पे रहने वाला है 98 MB, गेम ऑफलाइन रहने वाला है, अच्छे खासे तगड़े ग्राफिक्स हैं और ये मैं आप लोगों को बता दूँ PC और कॉन्सोल पे भी गेम पहले ही रिलीज हो चुका है, तो भैया कॉन्सोल लेवल गेम है तो किस बात की देरी है, जल्दी से जाके खेलो और स्टोरी भी इंजॉय करो। तो दोस्तों निकल के आता है अब अपनी लिस्ट का लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 10 का गेम जो गया है टकेशी निंजा वॉरियर। अब यहाँ पे ये जो गेम है आप लोगों को एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने वाला है एक निंजा की स्टोरी का। अगर आप लोगों को वो सैमुराई वैमुराई टाइप की गेम पसंद आती हैं तो ये गेम आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को भैया निंजा विंजा स्टाइल के ग्राफिक्स भी देखने को मिलेंगे यानी एंशियंट टाइप के ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में आप लोगों को भाई साहब काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस फाइटिंग का भी देखने को मिलेगा, ढेर सारी डिफरेंट लोकेशन है, एक अच्छा मैप है, बहुत तगड़ा फाइटिंग सिस्टम है और भैया आप लोग खेलोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को पसंद ही आएगा गेम। गेम का साइज यहाँ पे रहने वाला दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 99 MB यानी कि सिर्फ 99 MB के अंडर ये गेम आप लोगों को देखने को मिल रहा है और भैया बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा आप लोगों को गेम खेल के। एक दफ़ा ट्राई करोगे तो डेफिनेटली भाई साहब आके लाइक ही मारोगे, बल्कि लाइक मार के जाना अच्छा ही लगने वाला है गेम। तो भैया बात ये थे वो सारे के सारे गेम जो कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताए थे। होप तो ये है कि सारे गेम्स आप लोगों को पसंद आ गए होंगे, पसंद आ गया ना है, जल्दी कर दे वीडियो का लाइक और कहीं से भूले भटके आगे से तो सब्सक्राइब मारे बिना तो कहीं मत जाना। बाकी मैं हूँ आप लोगों का दोस्त होस्ट भाई रबील, दूसरे चैनल यानी रबील गेमिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखो अपना ख्याल, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय यानी गुड।